गाइस, वन डे मेरा जम्मू में। सबसे पहले मैं हम लोग ओपन बस लिए। ओपन बस में हम लोग सारे फैमिली लोग खूब एंजॉय करते हुए, गिरते पड़ते हुए, लुढ़कते हुए, सबसे हाई हेलो करवाते हुए जम्मू की सैर करने के लिए निकल पड़े। ये फर्स्ट ट्रैवल था मेरा ओपन बस में। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई हमें खुले आसमान के नीचे उड़ा कर लेते जा रहा हो और मैं खुद भी उड़ती जा रही थी। यहाँ मैं बस से ऐसे उतरी मानो जैसे मीडिया वाला सामने मेरा वीडियो बनाने के लिए आया हुआ हो और मेरे पीछे पीछे सारे सभी लोग पोज पे पोज मारते उतरे। हाँ मैम, आपका भी फ़ोटो आ रहा है, जल्दी जल्दी उतरते जाइए। लास्ट में मेरे नंदोई जी, ननद जी हाय हेलो करते हुए आगे बढ़े, फिर मेरे पति देव आए तो मैंने भी साथ एक और पोज दे दिया। पोज देते हुए आगे बढ़ी। आगे था जू, जम्मू का जू, जहाँ जानवर कम इंसान ज़्यादा दिखे। यहाँ मैं, बच्चा, पार्टी, सभी लोग जानवर को सर्च करने में लग गए पर जानवर दूर दूर तक नहीं दिखा। दिखा तो सिर्फ मोर और बत्तख। जू के चिड़ियाघर में सिर्फ चिड़ियाँ ही दिखी और कुछ नहीं। जम्मू का जू किसी पार्क से कम नहीं था, पार्क ही था मानो। उसके बाद हम गए जम्मू के उस जगह जहाँ सारे शहीद सैनिकों का नाम बहुत खूबसूरती से लिखा गया था और एक वहाँ दीप था जो हर टाइम जलते रहता था। बहुत खूबसूरत जगह था, बस इस जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। हम लोग इस जगह पर आकर बहुत इंजॉय किए और जब वो गाना बजा ना, सुनो गौर से दुनिया वारो, तो बस हमारा पूरा फैमिली देशभक्ति गाना सुन के सभी झूमने लगे, नाचने लगे। खूब इंजॉय किए हम लोग ने। उसके बाद मैं गई थी जहाँ जम्मू की झांकियाँ दिखाई गई थी, उसका क्लिप मेरे पास नहीं है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।